क्यों नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई की आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए विद इन सर्टेन टाइम पीरियड। तो आज हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो 40 दिन के अंदर आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम निकालने के लिए पूरे प्रयास के साथ बताया जाएगा कि इसके क्या क्या प्लान्स हैं और कैसे आपको जो एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसलिए सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके प्लान के लिए जो आप अगर आपको हम दिखाते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है 2017 का जो एग्जाम पेपर हुआ है उसको आप सबसे पहले सॉल्व करें, एनालिसिस करें और उसको उसमें अपने वीकनेस को और अपने स्ट्रेंथ को देखें कि हमारी क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है और उसको एनालिसिस करने के बाद उसको जो है जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। इस तरीके से आप शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को क्रैक करने की। देन हम आगे बात करते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी। तो यहाँ पे आपको कैसे सेक्शन वाइज पढ़ना है तो आपको भी पता है कि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का आपका टाइम पीरियड होगा टोटल। इसमें आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ओवरऑल आपको क्रैक करना है एग्जाम को। सारी कट ऑफ आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है, आपको भी पता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का होता है, जो कि जनरल अवेयरनेस आपका 80 नंबर का होता है और रीजनिंग जो आपकी 60 नंबर की होती है। बाकी आपका जो इंग्लिश और मैथ होता है 30-30 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने सेक्शन वाइज प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार करना होगा। देन हम बात करते हैं कि कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो उसके लिए वी विल नाउ डिस्कस इंडिविजुअल सेक्शंस एंड देयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी व्हिच विल हेल्प यू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो भी हमने आपको अभी बताया है कि इसके लिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 200 नंबर में, 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कैसे आपको इसकी पढ़ाई करना होगा, कैसे आपको इसको क्रैक करना होगा। ये इसमें जो लास्ट के 3 से 4 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसके साथ साथ इसमें आपका स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ से क्या आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है पूछी जाती हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक न्यूज और आरबीआई की फाइनेंशियल न्यूज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको भी पता है कि इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, रिसेंट स्कीम जो होती है गवर्नमेंट की, बिजनेस न्यूज जो होता है और जो आपके समिट हुआ करती हैं, समिट होती हैं, जैसे आप सार्क समिट हो गया, G8 हो गया, G7 हो गया, ऐसे जो समिट होती रहती हैं उनकी, और साथ में स्पोर्ट्स के जो खेल की जो न्यूज होते हैं कि कौन कौन से खेल अभी हुए हैं, ओलंपिक हो गया और अदर खेल जो हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, हॉकी हो गया, ये सारे जो गेम होते हैं इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं स्टैटिक जीके में। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं करेंसी और कंट्रीज के, और इसमें डैम्स, इंडस्ट्री, माउंटेन्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके में आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको डे के पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ करेंसी और कैपिटल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि हमारा रिव्यू रहा हुआ पिछले 2 से 3 साल के एग्जाम को मैंने एनालिसिस किया है, तो उसके हिसाब से इसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो करेंसी कैपिटल के बारे में पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को आपको कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है एनसीईआरटी की बुक से जो, तो इसमें आपको 9 to 12 की, जो भी 9 से 12 तक के क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक को आपको एक बार रीड करना है। इसके बाद 2 बार आपको उसको रिवाइज करना है, उसमें टर्मिनोलॉजी जो दी गई हुई है उसको आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको जो है आरबीआई की स्कीम फंक्शन और जो इसके गवर्नर हेडक्वार्टर जो भी पूरी डिटेल से कमेटियां, इन पे आपको डिस्कशन करने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो इस पे आप अपना पूरा फोकस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। तो न्यूज़पेपर में आपको रीडिंग करना है मैगजीन की, न्यूज़पेपर की डेली, और ये इस पे आपको कम से कम डेली 1 से 2 घंटे देने की जरूरत है। 2 घंटे अगर आप देते हैं करंट अफेयर न्यूज़ के लिए और मैगजीन के लिए तो आपका करंट अफेयर जो है इससे प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप हाईलाइटेड जो आपके पॉइंट होते हैं उसको आप एक नोट्स बनाएं सेल्फ का और उस पे जो है नोट करें, तो उससे क्या होगा कि एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले अगर आप उसको रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को हैंड राइटिंग में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो ये जो है इसको आपको बहुत ही आसान, इसमें कोई आपका यूपीएससी
यूपीपीएससी का एग्जाम नहीं है, इसमें आपको आरबीआई का बैंक का एग्जाम है। इसके लिए आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको केवल कवर करना है। ये कवर आप 20 दिन में कर सकते हैं और 20 दिन आप करंट अफेयर के लिए और जो है इसके टोटल जो है आरबीआई स्कीम्स के लिए दें। देन हम बात करते हैं जीए के लिए, तो आपको भी पता है कि जीए में एक मैंडेटरी पार्ट है हर एग्जाम के लिए, बैंक के एग्जाम के लिए, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई सब में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा लोग जो है इंग्लिश से डरते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं चार जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है लेंथी होता है पैराग्राफ आपका, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बेस पे पूछे जाते हैं। देन बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट जो है थोड़ा सा इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, इसके भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरा जंबल्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मॉडरेट होते हैं। स्पोर्टिंग एरर जो पूछा जाता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, स्पोर्टिंग एरर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसको कैसे आप प्रिपेयर करें इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है आप कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेली आपको 3 घंटा देना होगा इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना होगा पैरा जंबलिंग के लिए, जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो वोकैब होगी उसको आपको याद करना होगा, रटना होगा एक हिसाब से, उसको आप देख सकते हैं। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो वोकैब है उसको आपको याद करना होगा कि उसकी मीनिंग क्या है और उसका मतलब क्या होता है, उसको आपको समझना होगा। सेंटेंस को आपको जो है एक हिसाब से ट्रांसलेट करना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आप डेली 1 घंटे आप अपने वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक पे, आप डिस्कशन करिए, 1 by 1 टॉपिक आप उठाइए, उस पे जो है आप एक पैराग्राफ उठाइए, आप द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाइए, उसका एक पैराग्राफ उठाइए लास्ट का एडिटोरियल का, उस पे आप जो है थोड़ा टाइम दें, उसको रीड करें, फिर उससे जो है आप वोकैब याद करें, तो उससे आपको जो है एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो है सेम पैराग्राफ जो है पूछ लिया जाता है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू का ही होता है, तो इसमें आपको एग्जाम में बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ग्रामर को जो है पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका स्पॉटिंग एरर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका ग्रामर का यूज होता है, तो वहां पे आपको इसका फायदा मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं मैथ की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये जो आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहां से पूछे जाते हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होते हैं। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ये पाई चार्ट, कैशलेस, मिक्स डीआई के बेस में पूछे जाते हैं, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस एवरेज, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, तो ये क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं, तो इस पर आपको फोकस ये करना है कि आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको छोड़ देना है। तो इसके लिए आपको डेली 3 से 4 घंटे देने की जरूरत है, इसके प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलर 3 घंटा प्रैक्टिस करना है। तो मैथ के लिए क्या करें आप, जब सोने का टाइम होता है आपका उसके 2 घंटे पहले आप मैथ को स्टार्ट करें, क्योंकि एक कैलकुलेशन वाली जो सब्जेक्ट होती है उसको आप सोने के टाइम पे अगर पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा, नींद नहीं आएगी। और सुबह शुरुआत करिए आप उठने के बाद, सबसे पहले न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट अफेयर की, जिससे क्या होता है फ्रेश माइंड होता है, रीजनिंग कंप्लीट करें, उसके बाद देन आप जो इंग्लिश प्रिपेयर करें, लास्ट में आप मैथ प्रिपेयर करें, इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो आपके चैप्टर होते हैं सिलॉग होता है, सेटिंग अरेंजमेंट होता है, लिनियर अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशियंसी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन्हीं चैप्टर को आपको फोकस करने की जरूरत है, आपको अलग से कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपका इन्हीं चैप्टर से होना है, बाहर से नहीं होना। यह हमारा लास्ट 3 साल का एनालिसिस है जो मैंने देखा, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रीजनिंग केवल आपका प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आप 100% जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे रखा है, देख लीजिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको केवल 1 by 1 आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ केवल आपको पढ़ना है,
आगे हम बात करेंगे कि इसके साथ साथ जो बुक होती है, रेफरेंस बुक को आप एक बार देख लीजिए, अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग, उसके आप एक बार फोकस करें। इसके साथ साथ आप इंटरनेट का यूज करें, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे जो है आप फोकस करें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें आपको फोकस ये करना कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको अलग से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको डाउट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन वैसे भी 10-20% में है, लेकिन अगर आप जो है उस कंपटीशन में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट होती है, और यहीं से आपका स्टार्टिंग फेज जो है प्रीलिम्स एग्जाम है यहीं से आपकी शुरुआत होती है सिलेक्शन की। और इसमें आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको सारे पोर्शन फोर्थ पोर्शन सभी को तुमको अटेम्प्ट करना है आपको। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और रिवीजन करने की जरूरत है, जो कि रिवीजन के लिए हम आपको बता दें कि आपके पास जो टाइम लिमिट है, मैंने जो 40 डे का प्लान आपका किया है इसमें आपको 960 घंटे पढ़ाई के लिए मिलते हैं। डेली आप 10 घंटे 15 घंटे पढ़िए तब भी आप सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। आप नहीं 15 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप 8 घंटे आप डेली पढ़ाई करते हैं तो आप जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। 200 घंटे के लिए हमने जो है आपका शेड्यूल बनाया है और आपके पास है 960 घंटे, यानी 760 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा है प्रैक्टिस के लिए। तो आप हमारे बनाए गए प्लान पे ही आप अगर स्टडी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो आपका टाइम टेबल है, आपका जो शेड्यूल चार्ट है, इसको आप ही बनाएंगे, ना इसको हम बना सकते हैं ना इसको कोई बना सकता है, आपको कोई भी बनाकर नहीं दे सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है और आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में आपको हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, तो इसलिए आप अपने हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। और इसके लिए आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, पहले तो आप सिलेबस को कवर करें, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए हम आपको जो है वीडियो देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको जो है आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।